अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील की बारादरी पर बिजली गिरने से मुगलकालीन बरामदा क्षतिग्रस्त हो गया है। मामले की सूचना पर पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। अजमेर में बुधवार को अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और रिमझिम बारिश के साथ तेज गर्जना करती हुई बिजली आनासागर झील की बारादरी पर गिरी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण जनहानि सामने नहीं आई है, लेकिन बिजली गिरने से ऐतिहासिक इमारत को नुकसान हुआ है। मुगलकालीन शाहजहां द्वारा बनाई गई बारादरी का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और इसमें लगे पत्थर भी अब गिरने लगे हैं। तेज धमाके के साथ हादसे को लेकर पुरातत्व विभाग ने मौका मुआयना किया है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। जल्द से जल्द इसका कार्य शुरू किया जा सकेगा। बारादरी संगमरमर के पत्थरों से खास कारीगरी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अब फिर से उसे उसी तरह बनाना मुश्किल होगा। अभी ये थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा था, बारिश आ रही थी, उससे बिजली गिरी है। यहाँ पे एक नंबर पर बिजली गिरी है। ये मुगलकालीन है, शाहजहाँ के समय में बनाया गया था। बिजली गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ। ये पहले नंबर, ये हमारा इसे पेविलियन के नाम से बोलते हैं, इसका नुकसान हो गया, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। ये सारे जो स्ट्रक्चर थे, जॉइंट थे, वो सारे लूज हो गए। जी, हमारे विभाग द्वारा मुआयना कर लिया गया है और आगे अधिकारी को रिपोर्ट दे दी गई है। ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, एक नंबर पर पेविलियन पूरा जो बरामदा है। जी, क्या मानते हैं आप, मौके पे थे, आपने देखा, आपने किस तरीके से बिजली आई? मौके पे मैं उस समय यहीं पे था जिस टाइम बिजली गिरी। हम यहाँ पीछे की साइड थे, ये तीन नंबर या चार नंबर पेविलियन पे उस टाइम इस पे पेविलियन नंबर वन पे बिजली गिरी और ये क्षतिग्रस्त हो गया। देवव्रत, क्या है, संरक्षण सहायक। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB News, सच्चाई की वापसी।